कैसे हो दोस्तों, मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था, उसमें हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन देखना शुरू करा था और उसकी पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से जानने की भी कोशिश की थी। आज उसी फ्रांस की क्रांति के विषय में और आगे जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर आप उस जानकारी को एकत्रित करने के साथ में नोट्स बनाए और जो मैं प्रश्न बोलूँ उसका उत्तर भी लिखिए, ताकि आपके वीडियो देखने की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बढ़े। तो आप कृपया करके जरूर क्वेश्चन का आंसर लिखा करिए और नोट्स जरूर बनाया करिए, भले ही सिनॉप्सिस रूप में बनाया करिए, एक के नीचे एक लिखकर ही बनाया करिए, पूरी इबारत मत लिखा करिए, पर सिनॉप्सिस के साथ में नोट्स जरूर बनाइए। सिनॉप्सिस वाले ही नोट्स बनाइए पर बनाइए जरूर। तो हम फ्रांस की क्रांति देख रहे थे और फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई, तो हम उसके पीछे के अब हम पृष्ठभूमि को पढ़ चुके थे और पृष्ठभूमि को पढ़ने के बाद में अब हमें पढ़ना था कारण, यानी रीजंस। ये क्या रीजंस थे कि भैया फ्रांस की क्रांति हुई। जो पृष्ठभूमि हमने पढ़ा, हमने पृष्ठभूमि में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की स्थितियों के बारे में पढ़ा, वही हमें फ्रांस की क्रांति के कारण बने। जैसे राजनीतिक स्थिति कारण अगर हम देखें, तो आपको सभी को पता है कि फ्रांस में जो समाज था, जो राजतंत्र था, वो निरंकुश राजतंत्र था। वो निरंकुश राजतंत्र था मतलब राजा जो है, जो बोलता था वही कानून होता था और जो कानून होता था उसका पालन किया जाता था। मतलब लोगों के विषय में राजा की जो मानसिकता थी वही कभी कभार कानून बन जाती थी, जिसके कारण जब अगर वो मूड अच्छे में रहा तो उस समय में उसने अच्छा डिसीजन दिया, और जब वो मूड बेकार में रहा, कभी झगड़ा होकर बैठा और तब न्याय दे रहा है, तो मतलब तब क्या हुआ, न्याय देने की जो गुणवत्ता रही वो कम हो गई। और साथ में क्या हुआ, राजा के पास कानून बनाने की भी शक्ति, कानून को पालन कराने की भी शक्ति, और अगर कानून का कोई दुरुपयोग करता है तो उस व्यक्ति को, उस राजा को, उस व्यक्ति को सजा देने की भी शक्ति। तो मतलब तीनों ही शक्ति किसके पास थी, राजा के पास थी। मतलब कानून बनाना मतलब विधायिका की शक्ति, कानून का पालन करवाना मतलब प्रशासनिक शक्ति, और अगर कानून में गड़बड़ी हो तो उसको जज करना, वो न्याय की शक्ति भी किसके पास थी, राजा के पास थी। और ये निरंकुशता कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों को कम करते जा रही थी, साथ में राजा को किसी भी प्रकार से जनता की स्थिति के विषय में भान नहीं था। ये राजनीतिक स्थिति कहीं ना कहीं जनता को असंतुष्ट कर बैठी, और ये जब असंतुष्ट कर बैठी तो यही असंतुष्टि कहीं ना कहीं क्या बनी, फ्रांस की क्रांति का कारण। साथ में क्या रहा, यदि हम राजनीतिक कारण बात देखें तो सामाजिक कारण, बेटा सामाजिक कारण भी थे। आप सबको पता है जो समाज था वो तीन वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ये तीन में बटा हुआ था। प्रथम जो दो स्टेट थे इनके पास विशेषाधिकार थे, इनको कर नहीं देना होता था, परंतु तीसरा स्टेट जो था वो विशेषाधिकार विहीन था, और विशेषाधिकार विहीन होने के साथ में वो क्या था, कर उसको देना बाध्यता थी। उसके बावजूद भी वो विशेषाधिकार से क्या था, वंचित था। जनता के ऊपर लगातार क्या किए जा रहे थे, लगातार जनता के ऊपर शोषण किया जा रहा था। राजा यहाँ पर राजनीतिक कारण में अगर हम देखें तो राजा लगातार युद्ध लड़ता था, और युद्ध लड़कर क्या करता था, उस खर्च को बढ़ाता था, और खर्च को बढ़ाने के साथ में क्या करता था, जो खर्च की पूर्ति करनी रहती थी वो तीसरे स्टेट पर कर आरोपित करके वो करता था, और कर आरोपित करके जब इनसे कर लेता था उसके बावजूद भी विशेषाधिकार नहीं देता था। इस थर्ड स्टेट में कौन था, इंजीनियर, डॉक्टर, जो कहीं ना कहीं अपने पेशे में संपन्न थे परंतु विशेषाधिकार भी से क्या थे, वंचित थे। तो इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं हुई बल्कि समानता के लिए हुई। तो आप इसका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो आप बताइए कि भैया फ्रांस की क्रांति किसके लिए हुई, तो प्रश्न ही है। तो भैया वो लोग क्या चाह रहे थे कि हमको भी दोनों वर्गों की तरह समानता मिले, हमको भी समानता मिले, मतलब जो इन लोगों को अधिकार है वो हमें भी अधिकार मिले, जिस प्रकार से इनके ऊपर कोई कानून लगता है कोई कानून नहीं लगता है वैसा हमारे पास भी रहे। तो मतलब कई कुल मिलाकर वो सामाजिक एकता चाहते थे,
वो गरीबी से निजात चाहते थे, क्योंकि ये दोनों वर्ग जो थे वो अधिक संपन्न वर्ग थे, ये तीसरे वर्ग में गरीबी भी थी, और यही बात कहीं ना कहीं इस वर्ग के लोगों को किचोड़ती थी कि भैया हमारे पास में वो कुछ क्यों नहीं है, बल्कि हम तो करदाता है। इन लोगों के पास में पूरे ब्रिटिश फ्रांस की संपत्ति का 60% था, इनके पास में 40% था, और ये 60% जो संपत्ति इनके पास थी इसके ऊपर टैक्स नहीं था, ये 40% पे टैक्स था, तो स्वाभाविक रूप से 40% के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा था। ये सब चीजें कहीं ना कहीं फ्रांस में असंतुष्टि के माहौल को पैदा करते चले, और इसमें आर्थिक स्थिति ने तो आर्थिक कारण ने तो और ज्यादा और इसको बढ़ा दिया। राजा कैसा था आपको मैंने बताया, निरंकुश विलासिता पूर्वक, निरंकुश विलासिता पूर्वक और अदूरदर्शी। अदूरदर्शी का मतलब यह है कि उन्हें दूरदृष्टि थी ही नहीं कि आगे इसका क्या दुष्परिणाम होगा, और ये दुष्परिणाम किस प्रकार से मुझे खुद को अपने जीवन में ही भोगना पड़ेगा, ये राजा को पता ही नहीं था, और ये कारण है कि आर्थिक स्थिति को बेकार करते चले गए। कैसे कर, ऑस्ट्रिया नामक जो देश वर्तमान में भी है उसके उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था, तो उस उत्तराधिकारी के संघर्ष में ये खुद भी गिर पड़ा, ये खुद भी उसमें गया, और जाने के बाद में एक पक्ष से खुद खुद लेकर एक पक्ष को खुद समर्थन देकर दूसरे पक्ष को ब्रिटेन दे रहा था, और यहीं पर क्या हुआ, युद्ध हो गया, और युद्ध हुआ तो खर्चा बढ़, खर्चा किस पे डाला, थर्ड स्टेट पे डाला। इसी के बाद में जो ब्रिटेन के साथ में सप्तवर्षीय इसमें हारे थे ऑस्ट्रिया युद्ध में, और अमेरिकी क्रांति के बाद में जब अमेरिका आजाद हुआ था तो अमेरिका आजाद में समर्थन किसने किया था, फ्रांस ने करा था। क्यों करा था, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन हारा था, ब्रिटेन से हारा था, कौन था, फ्रांस हारा था, तो बदला लेना चाहता था कि भैया मैं बदला ले लूं, पर बदला लेने के बदले अमेरिका ने कुछ दिया क्या, नहीं दिया, तो क्या बढ़ा वहां पर, खर्च बढ़ा, और खर्च का बोझ किस पर डाला, तीसरे वर्ग पर डाला। और साथ में जब खर्च को कम करने के लिए जब कई सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भैया आप व्यय को ध्यान में रखकर आप बजट मत बनाइए, बल्कि बजट को ध्यान में रखकर क्या बनाइए, आप व्यय करिए, आप पैसा कितना है आप ये देखिए, और उसको ध्यान में रखकर आप बजट बनाने की कोशिश करिए। जब इतना बोलते थे कोई शासक, और कहा जाता था कि भैया प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को कर के दायरे में लाएंगे तो राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, तो फ्रांस की जनता संतुष्ट होंगी, जब इन दोनों वर्गों को लाने की बात होती थी तो लोग क्या करते थे, ये दोनों वर्ग राजा के सामने धरना प्रदर्शन, राजा को मना करना, लगातार दबाव डालना, और यही कहीं ना कहीं फ्रांस की में जनता की असंतुष्टि का कारण बना। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बौद्धिक वर्ग ने, कौन से वर्ग ने बेटा, बौद्धिक वर्ग ने। बौद्धिक वर्ग में आपको मैंने प्रबोधन काल के कुछ प्रमुख चिंतक के बारे में बताया था जिन्होंने चिंतन किया, जिसमें एक था रूसो, एक था वोल्टेयर, एक और का नाम था मोंटेस्क्यू, एक का नाम था कांट। ये चार प्रमुख दार्शनिक हुए प्रबोधन काल के, और चारों प्रबोधन काल के जो दार्शनिक हुए उनकी बातें भी कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि यदि रूसो पालने में मर गया होता तो भी फ्रांस में क्रांति होती। मतलब एक प्रश्न था, एक कहावत बोली गई कि रूसो अगर पालने में मर गया होता तो भी फ्रांस की क्रांति होती। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, दार्शनिकों की भूमिका को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, वो कहते कि दार्शनिकों ने ही जनता को उग्र बनाया, और जनता ने 5 मई 1789 में जनरल स्टेट असेंबली की बैठक में उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया, और टेनिस मैदान में जाकर संविधान सभा का निर्माण किया। तो कुछ ज्यादा बताते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया दार्शनिकों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल और केवल उन स्थिति को बारे में बताने की कोशिश करी जो फ्रांस में मौजूद थी, राजनीतिक निरंकुशता, सामाजिक असमानता, आर्थिक पंगुता, ये बस बताने की कोशिश की, और इस बताने के कारण जनता जब अवेयर हुई तो अवेयर हो जाने के बाद में क्या, जनता ने फ्रांस की क्रांति की। तो दार्शनिकों की भूमिका भी बहुत अधिक रही। दार्शनिकों की भूमिका में मोंटेस्क्यू ने कहा था कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, मतलब एक ही व्यक्ति के पास तीनों शक्ति रहेंगी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिकारों का शोषण होगा। दूसरी बात बोला था वोल्टेयर कि हर बुरी चीजों को बदल दो जो समाज को कहीं ना कहीं प्रदूषित गंदा करती है,
तो विशेषाधिकार को समाप्त करने की बात बोली। तुम्हें रूसो ने कहा था कि प्रकृति में सब व्यक्ति कैसे पैदा हुए, समान पैदा हुए, परंतु समाज में जुड़ी हुई, समाज में लिपिपित ही सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण वो क्या होता है, जंजीरों में जकड़ जाता है और अपनी मौलिकता को खो देता है। अगर उसको अपनी मौलिकता को प्राप्त करना है तो प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, तो प्रकृति की ओर लौटेगा तो समानता को जरूर प्राप्त करेगा। तो समानता की बात बोली थी, क्योंकि यहाँ पर समानता थी क्या? नहीं थी। यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण था क्या? नहीं था। यहाँ पर सभी अच्छी चीजें थी क्या? नहीं थी। ये दो वर्ग लगातार तीसरे वर्ग का क्या करते थे? शोषण करते थे। तो कोई दार्शनिक ने ये बोला आपको कि भैया आप क्रांति करो, वो तो केवल उस समय की स्थिति के बारे में बताते थे। तो प्रश्न जरूर लिखिएगा, रूसो यदि पालने में मर गया होता तो भी फ्रांस की क्रांति होती? आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यह हो गया फ्रांस की क्रांति के कुछ कारण। ये हमने कारणों को समझने की कोशिश की, और कारणों को समझकर हमने बहुत सारी बातों को अच्छे से समझा। अब क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई। अब कैसे हुई, और कई चरणों में चली, एक साथ नहीं हुई, कई चरणों में चली। और कई चरणों में चलने के कारण ही मैं आपको फ्रांस की क्रांति में बताता हूं कि फ्रांस की क्रांति ने, प्रश्न लिख लीजिएगा, फ्रांस की क्रांति ने जो चाहा वो पाया नहीं। फ्रांस की क्रांति एक अधूरी क्रांति थी। दूसरा, फ्रांस की क्रांति अधूरी क्रांति थी, बल्कि जो समाजवादी क्रांति थी, बोल्शेविक क्रांति थी, वो पूर्ण क्रांति थी। ऐसे कई सारे प्रश्न बने हुए, और ये कारण जब उग्र होने लगे और जब जनता का जीवन कठिन होने लगा फ्रांस में, तो फ्रांस की जनता के द्वारा 5 मई 1789 में उनके द्वारा जनरल असेंबली की बैठक बुलाई गई। किसकी बैठक बुलाई गई? जनरल असेंबली की बैठक। ये जनरल असेंबली की बैठक कभी पहले हुई नहीं थी। पहले, बहुत समय पहले, लुई बारवा के कमे कम पहले हुई थी। लुई बारवा कब का शासक, और उसके बाद में कभी जनरल असेंबली की बैठक हुई नहीं, ना लुई 13वां, ना 14, ना 15, ना 16। अब 16 के समय में हो रही थी, तो किसी को पता नहीं था कि भैया इस जनरल असेंबली में जो कानून और जो कार्य प्रणाली अपनाई है, वो कैसी अपनाई है। तो ये जो समाज बटा हुआ था, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट था, उस असेंबली में जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, उस वर्ग ने कहा कि भैया स्टेटों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाए। मतलब असेंबली में जो भी बातें होंगी वो बातें बहुमत के आधार पर लिया जाए, ना कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट के आधार पर। क्योंकि भैया अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये थर्ड असेंबली जो थी उसमें सबसे ज्यादा लोग थे, और ये दोनों स्टेट के लोग मिलाकर भी इसके बराबर नहीं होते थे। पर अगर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा स्टेट के, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, स्टेट यानी यहाँ पर वर्ग से संबंधित है। स्टेट मतलब भारत, मध्य प्रदेश, ये वाला नहीं है। स्टेट का मतलब यार वर्ग से। तो अगर बहुमत के आधार पर होगा तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों वर्ग के जो संबंध थे वो प्रगाढ़ थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं विशेषाधिकार देने और दोनों वर्ग एक दूसरे को कहीं रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट के द्वारा कहा गया कि हम बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के मत के आधार पर नहीं लेंगे। पर जो तीसरा स्टेट था, वो तीसरा स्टेट ने कहा कि भैया ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि पहले कब जनरल असेंबली हुई और उसमें कौन सी कार्य पद्धति हुई। तो आप कृपया व्यक्ति के मतों के आधार पर आप निर्णय करें। और जब इतनी बात बोली गई, और जब बहुत हो हल्ला हुआ, तो उसी के बाद में थर्ड स्टेट के लोग उस राजा के महल के साइड में जो टेनिस ग्राउंड था, उस टेनिस ग्राउंड में जाकर उनके द्वारा एक नई संविधान सभा के निर्माण किया गया, और यही कहलाई 5 मई को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति का प्रथम चरण शुरू हुआ। कौन सा चरण शुरू हुआ? प्रथम चरण शुरू हुआ जो 1789 से लेकर 1792 तक के चला। और इस चरण में संविधान, लोकतांत्रिक संविधान नहीं, राजतंत्र के अंतर्गत संविधान का निर्माण किया गया, और उसमें कई सारी बातों को कोट किया गया। उसने क्या कहा? समानता होगी,
सभी जगह समानता होगी, सभी व्यक्ति को मताधिकार होंगे, सभी व्यक्ति को मताधिकार मतलब जितने भी व्यक्ति चाहेंगे मताधिकार उन सबको होंगे। सामंतवाद को समाप्त करेंगे, जो चर्च लोगों के द्वारा बहुत अधिक संपत्ति को एकत्रित करके रखा है उसको अधिग्रहित कर लिया जाएगा। शिक्षा का हम प्रसार करने की कोशिश करेंगे। ये सब अच्छी अच्छी बातें हुई, परंतु उसमें भी कहीं ना कहीं उनने क्या किया, कुछ असमानता को रख दिया। कैसे रख दिया? जब बोला गया था क्रांति में कि मताधिकार देंगे सबको, इन्होंने क्या किया, सक्रिय और निष्क्रिय के रूप में मताधिकार बांट दिया। जो व्यक्ति कर देता था उसको सक्रिय मताधिकार, उसको मत देने का अधिकार होगा, जो मत नहीं देता था उसको निष्क्रिय मताधिकार, वो मत नहीं देगा। उन्होंने कहा था सामंतवाद को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। सामंतवाद को समाप्त किया, बदले में जो उनकी भूमि अधिग्रहित की उनका मुआवजा दिया। मतलब क्या हुआ कि स्वाभाविक रूप से यहां पर क्या निकल कर आया, जो उन्होंने बात बोली थी वो कहीं ना कहीं छूटते चले। उन्होंने कहा था कि भैया हम आगे जो भी कार्य करेंगे वो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर करेंगे, हम जनता के लिए करेंगे, हम संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। संपत्ति के अधिकार को इन्होंने बनाए रखा। तो कहीं ना कहीं इस चरण में कई सारे बातें हुई जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे, उस कारणों को समाप्त करने की कोशिश की, परंतु पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश नहीं की। और जब समाप्त करने की कोशिश नहीं की तो इसी के बाद में इस चरण से कहीं ना कहीं दुखी होकर इसके बाद के में जो चरण आया उससे कहा गया संवैधानिक विकास का चरण। ये चरण बड़ा अच्छा रहा। इस चरण में उन्होंने क्या किया, गणतंत्र के माध्यम से, ये संवैधानिक विकास का चरण रहा, और गणतंत्र इसके बाद का चरण रहा 1792 से लेकर 1795 तक का। इस समय में उग्र गणतंत्र का शासन रहा। उग्र गणतंत्र का मतलब यहां पर क्या हो रहा था, जनता मिलती थी और जनता मिलकर डिसीजन लेती थी, कभी मत एक तरफ जाता था, कभी मत एक तरफ जाता था, और इसके कारण निर्णय नहीं हो पाता था। और यही कारण रहा कि इस चरण में लोग दुखी हुए, और लोग दुखी हो जाने के बाद कहा कि भैया अब हम अलग प्रकार से शासन करेंगे। और इसी समय में जो लुई 16वां था वो भागने की कोशिश करने लगा। जब भागने की कोशिश करने लगा तो उसको ही रास्ते में पकड़ लिया, उसको फांसी की सजा दे दी, और उसी के बाद में उग्र गणतंत्र की शुरुआत हुई। और उग्र गणतंत्र को दो दलों के द्वारा कहीं ना कहीं समर्थन दिया गया, जिसमें से एक का नाम था जोकोबियन, जोको बीएम, और एक नाम था जिरोंदिस क्लब। जोकोबियन क्लब का संबंध भारत के किसी शासक से रहा, आज का प्रश्न यही था कि आप पिछला रिवीजन कर सके। ये दोनों ही क्लबों के माध्यम से उग्र गणतंत्र को चलाने की कोशिश की। इसमें जोकोबियन क्लब का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रोबोस्पियर। इसके द्वारा रूसो के सिद्धांत का गलत उपयोग करके जनता को शोषित करने की कोशिश की, और अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए इस चरण में कई सारे लोगों को मारने की भी कोशिश की। जो जो व्यक्ति उस व्यक्ति के विपरीत जाता था उसको सामान्य इच्छा के कानून के तहत उसको मार दिया जाता था। सामान्य इच्छा का कानून क्या था कि मतलब कई सारे लोग हैं जिसमें कई सारे लोगों का मत एक कानून के पक्ष में सकारात्मक रूप से, कुछ लोगों का मत अगर नकारात्मक है तो बहुपक्ष लोगों का जो अगर सकारात्मक है तो उनके ही पक्ष में निर्णय लिया जाए। और इसके कारण जो अल्पमत में रहते थे उनको क्या किया जाता था, मार दिया जाता था। और कभी कभार अपने उद्दंडता के साथ में अपनी ही बातों को कहकर जनता के सामने कहता था कि मेरी इच्छा यह है कि यह होना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कई सारे लोग बोलते थे, कई सारे लोग जब बोलते थे हाँ में तो कई सारे लोग ना में भी बोलते थे, जब ना में बोलते थे उनको मार दिया जाता था। और इसी के कारण इसे कहा गया गणतंत्र, परंतु कैसा गणतंत्र, उग्र गणतंत्र। यहीं से माना जाता है आतंकवाद की शुरुआत, आधुनिक आतंकवाद की शुरुआत जोकोबियन क्लब। और जब ये ज्यादा उद्दंड होने लगा तो जोकोबियन क्लब के प्रमुख नेता रोबेस्पियर की क्या कर दी, मृत्यु कर दी गई। और मृत्यु करने के बाद में फ्रांस की क्रांति तीसरे चरण में पहुंच गई। ये पहला चरण था, ये दूसरा चरण था, और ये तीसरा चरण था गवर्नरों का शासन।
आज का लास्ट टॉपिक, उसके बाद नेपोलियन पढ़ना है आपको। इस चरण में क्या हुआ, इस चरण और इस चरण की बातों से थोड़ा सा ज्ञान लेकर उनके द्वारा कहा गया कि एक ही व्यक्ति को अगर अधिकार देते तो भैया वो निरंकुश हो जाता है, तो एक काम करते हैं हम 5 गवर्नरों की असेंबली बनाते हैं और 5 गवर्नर साल में अपने अपने समय में वो शासन करेंगे और पूरे शासन तंत्र को संभालने की कोशिश करेंगे। ये 5 गवर्नर बनते थे, अपने अपने समय में ये लोग ये ध्यान में रखते थे कि भैया मेरा समय इतना से इतना है तो मैं कितने अधिकारों को प्राप्त कर लूं, कितनी संपत्ति को अर्जित कर लूं, इसी बात में लगे रहे। और इसी बात में जब लगे रहे तो इस समय में भ्रष्टाचार, लोगों की लूटपाट, पादरियों की लूटपाट, पूंजीपतियों की लूटपाट, गरीबों को मारना, कुचलना, उनके अधिकारों को छीनना इस गवर्नरों के काल में भी रहा, क्योंकि गवर्नर खुद अपने पद का दुरुपयोग करते थे, अपने चहितों को पद पर बिठाने की कोशिश करते थे। और यही कारण रहा कि 1795 से लेकर 1799 तक के चला इस गवर्नरों के शासनकाल में जो लूट प्रथम चरण में नहीं दिखाई दी, जो लूट उग्र गणतंत्र में नहीं दिखाई दी, वो लूट की पराकाष्ठा हमें यहाँ पर दिखाई दी। और यही कारण रहा कि एक सामान्य सा व्यक्ति जब अपनी योग्यता के बल पर एक सैनिक से सेनापति और सेनापति से सम्राट बनता है, तो सम्राट बनने के बावजूद भी जनता उसकी तानाशाही को सहन करती है और जब भी वो युद्ध में जाता है तो उसको सपोर्ट करती है। इसलिए नेपोलियन को जनता मसीहा के रूप में, क्यों, क्योंकि ये जो 3 चरण चले, इसके बाद जो नेपोलियन का चरण आएगा 1799 से लेकर 1815 तक का चरण, उस चरण में नेपोलियन सेना सैनिक से सेनापति, सेनापति से सम्राट बनता है, तो उस चरण में वो कई सारे ऐसे निर्णय लेता है जो क्रांति के उद्देश्यों के विपरीत रहते हैं। उसके बावजूद भी वहां की जनता उसको समर्थन करती है, चाहे लिपजिंग के मैदान में हारने के बाद जो पुनः आता है तो लुइयों का जो वंशज रहता है फिर से भाग जाता है, जनता फिर से उसको सम्राट बनाती। 2 साल तक के सम्राट रहता है, 1815 में फिर वाटरलू के मैदान में हारता है, पर अंतिमतः वो द्वीप पर भेजने के कारण उसकी वहां मृत्यु हो जाती। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको नेपोलियन मुझे बताना है, पर चरण आप समझ लीजिए। चरण अगर समझ लोगे तो नेपोलियन की निरंकुशता भी जनता को क्यों अच्छी लगती थी आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो ये चरण थे, ये चरण अगर क्लियर है तो मेरे सामने कुछ प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न जो मैंने आपको लिखा, फ्रांसीसी क्रांति में बौद्धिकों की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति ने जो चाहा वो पाया नहीं। तीसरा प्रश्न लिखिए, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। थैंक यू।